नमस्कार, क्या आपको भी 15 से 20 mm का किडनी स्टोन पता चला है? आपके अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में किडनी स्टोन आया है जो कि 15 से 20 mm का है और आप बड़े घबराए हुए हैं कि इसका अब क्या ट्रीटमेंट होगा, ये कैसे निकलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब स्टोन्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले किसी भी स्टोन ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि किडनी स्टोन हमारी किडनी में बनकर शरीर से कैसे बाहर निकलता है। हमारी किडनी में जितना भी यूरिन बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं और जो इसका एवरेज साइज है, इसकी जो चौड़ाई है अंदर की, वो कोई 2 से 4 मिलीमीटर की रहती है। तो अगर किसी स्टोन को किडनी से निकलकर शरीर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, उसके बाद वो इस पाइप से होकर गुजरेगा, फिर वो पेशाब की थैली तक आएगा और फिर वो हमारे यूरेथ्रा पेशाब की पाइप से होकर बाहर निकलेगा। ये पूरा रास्ता उसको तय करना पड़ता है शरीर से बाहर निकलने के लिए। तो अगर पत्थर का साइज छोटा है, 2 mm, 3 mm, 5 mm, तब तो वो आराम से कई बार निकल जाता है, लेकिन जितना स्टोन का साइज इस यूरेटर की चौड़ाई से बढ़ता चला जाएगा उतने ही उस स्टोन के अपने आप निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो 15 से 20 mm के जो स्टोन्स हैं, अगर वो किडनी में बन रहे हैं और उनको अगर निकलना है तो वो ये पाइप के ऊपर अटक जाती हैं, पेल्विस में अटक जाते हैं या इस पाइप को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से इन पत्थर को निकालना पड़ता है। अगर हम इनको नहीं निकालते हैं तो आगे चलकर ये पत्थर साइज में बड़े हो सकते हैं या किडनी में इंफेक्शन कर सकते हैं या पाइप में फंस कर सूजन कर सकते हैं, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या फिर इंफेक्शन के साथ ये पस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 15 से 20 mm के स्टोन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोई दवाई है जिससे ये निकल जाए? तो उसका जवाब है नहीं। सिर्फ 5% स्टोन्स जो कि अलग अलग केमिकल्स या सॉल्ट्स के बने हुए हैं उन्हीं पे ही ये दवाइयां असर करती हैं। जैसे कई स्टोन प्रोटीन स्टोन्स होते हैं, कई स्टोन ज़ैंथीन स्टोन्स होते हैं, ऐसे स्टोन्स के ऊपर कई बार दवाइयां इफेक्टिव रहती हैं, लेकिन जो कॉमनली स्टोन्स बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, उनके ऊपर ये दवाइयां काम उतना नहीं कर पाती हैं कि ये निकल जाए। तो हमारे पास एक ही चारा बचता है इन स्टोन्स को निकालने के लिए, वो है प्रोसीजर या ऑपरेशंस। तो इसमें जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है RIRS, जिसे हम रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और उस दूरबीन को हम नेचुरल रास्ते से, मतलब पहले पेशाब की थैली से फिर यूरेटर से होते हुए हम किडनी तक पहुंचाते हैं और फिर लेजर से पूरे पत्थर को तोड़ देते हैं। ये पत्थर पूरी तरह चूरा बनकर निकल जाता है। तो क्योंकि इसमें कोई कट चीरा नहीं है तो पेशेंट जिस दिन एडमिट होते हैं उससे नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपने नॉर्मल काम पर जल्दी ही जा सकते हैं। ये RIRS टेक्निक 15 से 20 mm स्टोन्स के लिए बिल्कुल कारगर है। ये किडनी के सारे हिस्सों में जा सकती है, फ्लेक्सिबल दूरबीन होती है और इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं लिथोट्रिप्सी की। लिथोट्रिप्सी मतलब ESWL। इसमें हम साउंड वेव से स्टोन्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दूरबीन नहीं डाली जाती है, ना ही कोई कट लगता है। फायदा यह है कि पेशेंट सेम डे पे ही घर जा सकते हैं। नुकसान इसका है कि स्टोन्स पूरी तरह नहीं निकल पाता है। 60-70% चांस है कि आपका स्टोन पूरी तरीके से निकल पाएगा और कई बार स्टोन्स टूट तो जाता है बट या तो वो पाइप में फंस जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज पेन होता है और उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है, या फिर स्टोन अगर मान लीजिए 18 mm का स्टोन है तो वो 15 mm का टूट के निकल गया है, 3 mm का वहीं पर ही रह गया जो दोबारा चल के फिर वापस स्टोन बनाएगा। तो लिथोट्रिप्सी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा आजकल कम प्रेफर किया जाता है RIRS के आने के बाद। इससे पहले जब बड़े चीरे लग के ऑपरेशन होते थे, पूरा पेट में काफी बड़ा इंसिजन दिया जाता था, उस समय पे लिथोट्रिप्सी एक काफी इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती थी,
बट RIRS के आने के बाद लिथोट्रिप्सी थोड़ी सी कम इस्तेमाल में है, कम प्रचलन में है। तीसरा है मिनी पर्क। मिनी पर्क 15 से 20 mm के स्टोन्स के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। इसमें कमर से एक कट लगाकर एक पतली सी दूरबीन को हम डालते हैं, उसको किडनी तक पहुंचाते हैं, फिर वहीं से ही तोड़ तोड़ कर हम स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं। बट क्योंकि 25 mm तक के स्टोन्स के लिए RIRS टेक्नोलॉजी से, RIRS के प्रोसीजर से हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं, तो इसलिए मिनी पर्क 15 से 20 mm के स्टोन्स के लिए नहीं किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 से 20 mm के स्टोन्स का ट्रीटमेंट आप समझ गए होंगे। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ।